1908 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। जो देखा सहस्त्राब्दी नगरवासी को कॉलोनाइजर और नगरपालिका ने गंदी बस्ती जैसा जीवन जीने को किया मजबूर। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। सहस्त्राब्दी नगर मानस हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने एक वीआईपी कॉलोनी, लेकिन उसमें सुविधाएं नाम मात्र की भी नहीं। कच्चा उबड़ खाबड़ रोड, अव्यवस्थित गंदी नालियां, खाली प्लॉट पर भरा हुआ गंदा पानी। कॉलोनवासियों ने कॉलोनाइजर से सभी सुविधाओं की मांग की, लेकिन कॉलोनाइजर ने कहा है कि मैंने नगरपालिका को हैंडओवर कर दी है कॉलोनी। वहीं नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि कॉलोनी अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है। इन तमाम समस्याओं को लेकर कॉलोनी के निवासियों ने ब्यावरा एसडीएम जूही गर्ग को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई सकारात्मक कार्यवाही देखने को नहीं मिली। कॉलोनी निवासियों ने ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी को अपनी कॉलोनी में आमंत्रित किया और मौके पर ही अपनी समस्याएं बताई। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सर क्या नाम है आपका? मैं बीएल गौतम, सहस्त्राब्दी नगर सीनियर सिटीजन। यहाँ पर कौन कौन सी समस्या है? यहाँ पहली समस्या है कि पानी का निकाल बिल्कुल नहीं है। इतने गड्ढे जितने खाली प्लाट पड़े हुए हैं, इस समय पानी भरा हुआ करना डेढ़ डेढ़ दो दो फीट रोजाना कीड़े निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, और सुबह अगर जो होता घुसते रहते हैं तो गंदी ज़्यादा फैली हुई है। विधायक को तो सूचना दी, आज शायद वो आए भी थे, देखा परखा। एसडीएम साहब को भी और हमने अपना महिला मंडल और जेंट्स जाकर के आवेदन दिया था, उन्हें विश्वास दिलाया था कि दो चार दिन में आपकी व्यवस्था हो जाएगी। उस पर नागरिक अपने विधायक महोदय आए थे, उन्होंने देखा भी, विश्वास दिलाया, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी समस्या है कि ना पानी का निकास है और सब परेशान रहते हैं। कीचड़ गंदगी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अच्छा नगर पालिका में जाओ तो पता है कांजा को तो नगर दे चुके हैं ऐसा है, जबकि कोई कायदे में जो वेद है वो तो होना चाहिए, स्थिति इसकी नहीं आई पाई है। वो बोलते हैं कि हम नगर पालिका को सोच चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो कुछ व्यवस्था कौन है कॉलोनाइजर कौन है आपका? आप मोरारी चाचा हैं? मोरारी चाचा, उनसे बात हुई आपकी? अभी चर्चा की थी उनके, अब आप जानो हम क्या, हम तो नगर पालिका को सौंप चुके सारी सारी, रोज आते चक्कर लगाते रहे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज ये चर्चा विधायक से बोली इस प्रकार की, तो नहीं हम विधायक करेंगे और एसडीएम साहब बात करेंगे, सब कॉलोनियों को बुलाएंगे, पुनर्जन की सुबह की व्यवस्था कराएंगे। और इतने पेड़ पौधे लगे हैं सब में कि वो सांप तेज निकल रहे हैं, यदि उनकी कटाई हो जाए सभी हो जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। तो जब तक नाली नहीं बने सारा निकास जो है यही है पानी का, पूरी गंदगी भरी है, कीड़े मकोड़े मच्छर सांप, ये निकास पानी का कहीं भी नहीं है। जबकि ब्यावरा की सबसे अच्छी बढ़िया सुंदर कॉलोनी है, एक नंबर कॉलोनी, जहाँ से बाजार रेलवे स्टेशन मार्केट सब पास में, लेकिन इतनी दुर्दशा शायद ब्यावरा में किसी की भी नहीं है। आज से बहुत दिन पहले मैंने विधायक महोदय से भी व्यक्तिगत निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा था देखें आज तो आए हैं, देखते हैं कितनी जल्दी समस्या का हल होता है, पर हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ अगर किसी